जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के निर्देश पर एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय किया गया है। कंट्रोल रूम में 19 मार्च से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा कि शासन के निर्देश पर वर्तमान में संचालित कंट्रोल रूम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार से कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम कंट्रोल रूम में ड्यूटी तो हमेशा से लगी है, कभी हटी नहीं है। कंट्रोल रूम पूर्व की भांति स्थापित है और संचालित है, वो उसी तरह चल रही है। डॉक्टर हर शिफ्ट में लगे हुए हैं जो 24/7 रहते हैं, और हमारे टीचर्स जो हैं बेसिक शिक्षा की तरफ से हर शिफ्ट में 8-8 टीचर लगे हुए हैं। लोग आते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, लोगों का हाल चाल लेते हैं, लोगों का इंजेक्शन लगवाने के उपरांत लोग ठीक हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें लोगों से पूछते हैं, फीडबैक के साथ जाता है। CSC PSC मतलब सभी डॉक्टर लोगों से भी पूछा जाता है कि आप यहाँ कितनी इंजेक्शन लगें, कितने नहीं लगें, सबका रिपोर्ट शाम को सबमिट होता है हमारे CMO साहब को। तो कल से क्या कुछ संख्या बढ़ाई जा रही है क्या कर्मचारियों के यहाँ पर? जी, जो अदर डिपार्टमेंट के लोग हट गए थे, जैसे नगर निगम से अभी भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ काम ज़्यादा बढ़ रहा है कोविड के दृष्टिकोण से देखते हुए, कुछ लोगों का बढ़ाया जा रहा है। हाँ, कंट्रोल रूम तो हमारा ICCC इंटीग्रेटेड कोविड का कमांड कंट्रोल सेंटर जो था पहले से चल रहा था, जो अभी भी चल रहा था, उसका इस्तेमाल हम वैक्सीनेशन के लिए कर रहे थे कि पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए कर रहे थे कि हमारी टीकाकरण कैसा चल रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब चूँकि थोड़ा सा कोविड इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, तो हम उसको इस तरह के इस्तेमाल करेंगे, और वो उसमें कुछ हमारे स्टाफ जो है हमने दो अपनी मूल तैनाती पे भेज दिया था, तो उन सब लोगों को हम वापस बुला रहे हैं और कमांड कंट्रोल रूम अच्छी तरह से काम करना शुरू करेगा।